देश की बड़ी और जानी मानी कंपनी अमूल ने दूध की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 21 मई से दूध की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में दूध के उत्पादन की लागत बढ़ने के चलते कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि मार्च 2017 के बाद कीमतें बढ़ाई गई हैं। आपको बता दें कि हाल में अमूल ने किसानों के लिए भी बड़ा फैसला करते हुए दूध की खरीद मूल्य 10 रुपए तक बढ़ा दिया है। इससे अमूल डेयरी से जुड़े 1200 दूध एसोसिएशनों के 7 लाख पशुपालकों को इसका फायदा मिलेगा। अभी दिल्ली NCR में अमूल का टोंड मिल्क यानी ताजा अमूल दूध 42 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, जबकि फुल क्रीम यानी अमूल गोल्ड 52 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। यानी मंगलवार से अमूल का फुल क्रीम मिल्क 54 रुपए प्रति लीटर, जबकि टोंड मिल्क 44 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। वहीं अहमदाबाद में अमूल गोल्ड का आधा लीटर का पैकेट अब 27 रुपए, अमूल शक्ति का 25 रुपए, अमूल ताजा 21 रुपए, जबकि अमूल डायमंड का आधा लीटर का पैकेट 28 रुपए में मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि गुजरात में गाय का दूध का दाम नहीं बढ़ाया गया है। GCMMF की अमूल ब्रांड के तहत दूध के निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादन बेचती है। अमूल अभी दिल्ली NCR, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में 6 अलग अलग ब्रांड नेम से दूध बेचती है। दूध के पैकेट आधे और 1 लीटर में आते हैं। हालांकि कुछ चुनिंदा मार्केट्स में 5-5 लीटर के पैकेट में भी दूध उपलब्ध है। GCMMF ने कहा, दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि 2 साल बाद की गई है। इसका मकसद अपने दूध उत्पादकों को ज्यादा कीमतें देने का है, ताकि दूध उत्पादन में कमी और लागत में वृद्धि की भरपाई हो सके।